मंदिर कब बनेगा? अरे महाराज, अगर हमारे पास खुशहाली होगी, समाज में एकता होगी, शांति होगी, तो हम मंदिर बना लेंगे। आप ये बताइए कि आपको हमने वोट दिया था, आप अस्पताल कब बनाएंगे, स्कूल कब बनाएंगे? यह सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। मंदिर बनाने के लिए हम सरकार बनाते हैं? मंदिर बनाने के लिए हमको सरकार बनने की जरूरत है? अरे हर गांव में पंडित जी होते हैं, सब लोग मिलकर के चंदा इकट्ठा करके मंदिर बना ले। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे गांव के भोला बाबा को कम पावर होगा और दूसरे गांव के भोला बाबा को ज्यादा पावर होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मंदिर अगर छोटा है तो वहां जाकर के नमस्कार करेंगे तो हमको धर्म नहीं होगा, और मंदिर यदि बड़ा है और वहां जाकर के नमस्कार करेंगे तब हमको धर्म होगा, ऐसा तो नहीं है। जनरेटर है क्या, पंपिंग सेट है कि हमारा वाला मंदिर का पावर कम होगा और उनके वाले मंदिर का पावर बेसी होगा? भगवान और भक्त के बीच में कमीशन एजेंट का क्या जरूरत है, ये हमको बता दीजिए। अरे हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग यही पढ़े हैं ना कि कणकण में राम बसते हैं। जब कणकण में राम बसते हैं तो तेतरी में भी राम है, बीहट में भी राम है, और जनकपुर में भी राम है, अयोध्या में भी राम है। असली मसला क्या है? असली मसला ये है कि मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके आपका ध्यान भटका दे रहे हैं। उस जादूगर की तरह जो जादूगर आपको स्टेशन के बाहर मिलता है, आइए आइए गिली 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 पम पम छू हाथ ऐसे करके इधर का पैसा इधर कर देगा, एक रुपया इधर से इधर कर देगा, आपको लगेगा कि बाप रे बाप, ये आदमी को जो है मिट्टी का ढेला उठा करके केला बना देता है, ये आदमी तो कागज उठा करके पैसा बना देता है। लेकिन हम आपका बच्चा है, आपके मेहनत से पढ़े हैं, और जब पढ़ लिख लिए हैं तो बुद्धि हो गया है, दिमाग आ गया है, तो हम सवाल करते हैं, रे जादूगर, तुम जादूगर नहीं ठग हो, हमको ये बताओ कि अगर तुम कागज से पैसा बना सकते हो तो हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो? हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो? तुमको जब भूख लगती है तो तुम कागज उठाओ, रुपया बनाओ, होटल में जाओ और बढ़िया खाना खाओ, हमसे पैसा क्यों मांगते हो? यह जो सवाल है, यह सवाल जब गरीब आदमी पूछने लगता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। उनको लगता है कि ये हमारी मेहनत पर पानी फेर देगा, ये हमारी चलाकी पे पानी फेर देगा, और यह जो हमारी लूट की योजना है जिसको इन्होंने अच्छे दिन का नारा दिया है, उस गुब्बारे का हवा निकाल देगा। इसीलिए सबसे जरूरी ये हो जाता है कि इन लोगों को अपने ही लोगों के बीच में बदनाम कर दिया जाए। और कैसे बदनाम कर दिया जाए, तो अपने ही लोगों को जाकर के यह कहा जाए कि यह धर्म विरोधी है। हम धर्म विरोधी नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। अजान हो रहा था तो हम चुप हो गए, सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो रहा होता तब भी चुप हो जाते हैं। हमारे लिए धर्म ने जो हमको सिखाया है वो सबसे जरूरी ये है कि अल्लाह ने हमको बनाया है, भगवान ने हमको बनाया है, और उस अल्लाह और भगवान को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो अल्लाह और भगवान के बनाए बंदों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का सबसे बड़ा काम है इंसान को बचाना, इंसानियत को बचाना, हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। इंसान और इंसानियत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इंसान और इंसानियत के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, इस नारे पे हमको चलना होगा, इस रास्ते पे हमको आगे बढ़ना होगा। इसमें अगर हम सवाल पूछते हैं तो कौन सी गलती करते हैं? अगर हम ये पूछते हैं कि आपने कानून बनाया है कि हर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, और जब कोई अपने खेत में काम करवा करके किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं देगा तो उस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अपनी फैक्ट्री में काम करवा करके यदि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी तो उस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? रिफाइनरी में काम करवा करके, थर्मल में काम करवा करके अगर आप हमको ESI और PF नहीं दीजिएगा तो उस पर हमको सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हमको ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि इस देश के भीतर जो सबसे गरीब आबादी है, जो सबसे कमजोर लोग हैं, आजादी के 72 साल के बाद भी वो कमजोर रहने के लिए क्यों विवश है? इस पर सवाल पूछने में कौन सी बुराई है? यही सवाल हम पूछते हैं और यह कहते हैं कि बेगूसराय
जिसका इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, आज भी क्यों एक ऐसा इलाका है जहां बिजली नहीं पहुंची है, क्यों ऐसा इलाका है जहां अच्छी सड़क नहीं बनी है। जब हम बलिया से तितरी की ओर आ रहे थे तो रास्ते में एक पुल मिलता है, उस पुल को ठीक से बनाया नहीं गया है, ऐसा नहीं है कि उसका बजट नहीं आया है, और उसके चलते दो नौजवानों की जान चली गई, जो दो बच्चा मर गया, उस माँ को आप क्या जवाब दीजिएगा, वो जो माँ रो रही है अपने बेटे के लिए उसको आप क्या जवाब दीजिएगा। यह जो हालत बनाई गई है सरकार की, यह जो समाज की कुव्यवस्था है, इस पर प्रश्न पूछने में क्या बुराई है। हम इंसान हैं, अगर हम इंसान हैं तो हम सोचेंगे, अगर हम सोचेंगे तो प्रश्न करेंगे, और यही जो हम प्रश्न करते हैं इस प्रश्न से लोग घबराते हैं। जब हम आ रहे थे रास्ते में तो कॉमरेड दिगंबर बाबू के फोटो पे माला चढ़ाने के लिए गए, जब माला चढ़ा रहे थे, चढ़ा करके बाहर निकले तो कुछ महिला बोली, देखे हम कतनी बोलल छे। तो मेरे मन में विचार आया कि कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं फल लागे अति दूर, बड़का लोग जो हथुन वो कहिया आई थी वोट ले खाते हुए, हमें छोट लोग छियो, तोरे नियर गरीब हमको माय छे, तोरे नियर गरीब हमको बाबू होती, तोरे नियर वो मेहनत मजदूरी करे छतन, यह खातिर ल हमारा खातिर ल राजनीतिक मतलब वोट लेना है, वोट देना है नहीं चाहे, हमारा खातिर राजनीतिक मतलब न्याय बराबरी की लड़ाई हो चाहे, वो लड़ाई करे खातिर हम आइए हैं, संघर्ष करे खातिर लिए। आप बेगूसराय के अलग अलग इलाकों में जाइए, जो हमारी उर्वर भूमि है उस पे जो हमारे किसान खेती करते हैं, उस अनाज को यदि ठीक से संरक्षण किया जाए, भंडारण किया जाए, और उससे चीजों को तैयार करके आसपास के फैले हुए बाजारों में बेचा जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया जा सकता है। अगर रोजगार अपने ही बेगूसराय में मिल जाए तो हमारे बच्चों को घर बार छोड़ करके पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहीं पे फैक्ट्रियां खुले और हमारे बच्चों को रोजगार मिले तो अपने बाल बच्चे के साथ, अपनी पत्नी माता के साथ, अपने पिताजी और भाई के साथ एक मिलन की जिंदगी जी सकता है। अगर यहीं पे एम्स खुले तो ट्रेन में धक्के खा करके हमको दिल्ली इलाज कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए तो हमारे नौजवान जो है वो यहीं पे पढ़ाई कर सकते हैं, और यहीं पे पढ़ाई करके यहीं जो रोजगार की व्यवस्था है उससे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन चीजों पे कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति का मतलब ये हो गया है कि हर 5 साल में कोई ना कोई आएगा, पार्टी पॉलिटिक्स होगा, इनकलाब जिंदाबाद होगा, मुर्दाबाद होगा, वोट लेंगे, चुनाव जीत करके जाएंगे और फिर 5 साल के बाद आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। मैं समझता हूँ कि बेगूसराय के लोग प्रबुद्ध होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बेगूसराय के लोगों ने बिहार को रास्ता दिखाया है, चाहे आजादी का वक्त हो या आजादी के बाद का वक्त हो, तमाम तरीके के आंदोलनों का बढ़ रहा है। जिस इलाके में आप लोग रहते हैं यह इलाका भूमि संघर्षों का इलाका रहा है, ये वो इलाका है जो जमींदारों की फाजिल जमीन थी, उन फाजिल जमीनों पे जो भूमिहीन लोग थे उनको वासित कराया गया, उनको पुनर्वासित कराया गया। यह जो संघर्षों का इतिहास है, उस संघर्षों के इतिहास को हमको एक बार फिर याद करने की जरूरत है। इसलिए याद करने की जरूरत है कि नए समय में नई परिस्थितियों से हम नए बेगूसराय का निर्माण कैसे करें, हम नए बिहार का निर्माण कैसे करें, हम नए देश का निर्माण कैसे करें, यह परिस्थिति आज हमारे सामने है। एक नौजवान ने हमसे सवाल पूछा कि आप बताइए कि नौजवानों को राजनीति में आना क्यों जरूरी है। इस सवाल के जवाब में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दोस्त उधार की बैसाखी से रेस नहीं जीता जाता है। जब तक बुद्रु प्राणय नहीं छे न तब तक माइयो को नहीं पता चले छे हमारे बच्चा भूखे। अगर आपको लगता है कि आपके समाज में समस्या है, अगर आपको लगता है कि आपके समाज में गैर बराबरी है, अगर आपको लगता है कि हमारे समाज में शोषण है, तो आपको ही यह संकल्प लेना पड़ेगा। आप तमाम नौजवानों को इकट्ठा होकर के आपस में मिलकर के उस संघर्ष की मिसाल को जलाना होगा, जिस संघर्ष के मिसाल को हमारे पुरखों ने जलाया था, लड़ा था और लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाया था।
एक बात सोच करके हमको बताइए कि जब भगत सिंह कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने कॉलेज के सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। अगर भगत सिंह ने भी ये सोचा होता कि हम सिर्फ अपना देखेंगे तो भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़े होते, और जब भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़े होते तो हमारा देश अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ होता। मैं कहता हूं कि अपने आने वाली पीढ़ी को आपको जवाब देना है। आपके पुरखे जो कर करके गए हैं उसका लाभ आप ले रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख करके गए हैं उसका लाभ आप ले रहे हैं, लेकिन वह जो संविधान है उसकी रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक बार जंगल में आग लग गई और तमाम बड़े बड़े जानवर बैठ करके उस जलते हुए जंगल को देख रहे थे। एक छोटी सी कोयल अपने चोंच में पानी भर करके उस जंगल के आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो बड़े जानवर ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी इस चोंच, छोटी चोंच से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। तो कोयल ने कहा कि इतिहास लिखा जाएगा, यह जो आग लगी है एक दिन बुझेगी और तुम्हारा नाम लगाने वालों में और हमारा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपने इतिहास को याद नहीं रखती है इतिहास उसको भुला देता है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करने आया हूँ कि यदि समाज में शोषण है तो उस शोषण के खिलाफ शांति, न्याय और बराबरी के लिए क्रांतिकारी संघर्ष भी है, उस शोषण के खिलाफ एक लड़ाई भी है। अगर शोषण समाज में है तो कोई ना कोई माई का लाल खड़ा होकर के उस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को भी बुलंद करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यह उम्मीद पाले बैठा हूं कि अगर बेगूसराय में भी समस्या है तो बेगूसराय के लाल इकट्ठा होंगे और मिलकर के बेगूसराय को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी खत्म है, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, ए दोस्त, अगर तुम्हारा शोषण जारी रहेगा तो शोषण के खिलाफ लाल झंडे का यह संघर्ष भी जारी रहेगा। क्या बात, मैं तुमको कह देना चाहता हूं, अगर समाज में गैर बराबरी है तो उस गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना होगा, और आपके बीच सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आज आया हूं। आने वाले समय में आपका दर्द हमारा दर्द है और इस क्षेत्र की समस्या हमारी समस्या है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपका घर सिर्फ यदि साफ हो तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते।